देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अभी पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट का हम ये विजुअल दिखा रहे हैं और पटना एयरपोर्ट से डायरेक्ट अमित शाह सीएम सचिवालय जाएंगे। वहां पर 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री यहाँ पर शामिल हैं और वो भी सुबह सुबह पहुँच चुके थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से जो मुद्दा है इस बार अमित शाह के समक्ष रखने के लिए, और जिसमें दो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वो अमित शाह के समक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे। साथ ही जो नेपाल से सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर जो बाढ़ें आती हैं, जो जल निकासी की जो अधिक प्रवाह रहती है उसकी समस्या बिहार को काफ़ी झेलना पड़ता है, जिसके कारण जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री थे वो बार बार कह रहे थे कि हमको बिहार में जो नेपाल के सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर बड़े बांध बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार से हमें विशेष सहायता चाहिए और फाटक का निर्माण बड़ा करवाना चाहिए। साथ ही जो नक्सलवाद की समस्या है वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे, और क्योंकि यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर ज़्यादातर नक्सलियों को नक्सलियों से बराबर घिरते रहते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं होती रहती है, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे हम। और ये भी बता रहे हैं कि झारखंड के जो वित्त मंत्री आए हुए हैं, उड़ीसा के जो वित्त मंत्री आए हुए हैं और पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री आए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे। साथ ही जो वहाँ के जो विशेष मांग है केंद्र सरकार से वो रखेंगे। और हम ये बात कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव से पहले ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है जो बिहार में हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार से ही केंद्र की ओर जाता है, जो लकीरें जो जाती है वो बिहार यूपी से ही होकर केंद्र सरकार बनती है। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा बैठक होने वाला है और आज होने जा रहा है। लगभग 2 बजे से ये बैठक होनी है और लगभग 3 घंटे की बैठक है शाम 5 बजे तक। क्या क्या कुछ होगा इसमें हम आपको विशेष और भी कुछ बताएंगे। तब तक ये विजुअल देखें कि अमित शाह कैसे निकले हैं पटना एयरपोर्ट से सीएम संवाद की तरफ। आलोक कुमार, दक्षिण पटना।